हेलो दोस्तों, तो आइए, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस इंटीग्रेशन में 0 to a/√2, इंटीग्रेशन में 0 to x एक्स dy dx, प्लस इंटीग्रेशन में a/√2 to a, इंटीग्रेशन में 0 to √a² - x² एक्स dy dx इज अ सिंगल इंटीग्रल एंड हैंस इवेलुएटेड। ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इस जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a/√2, इंटीग्रेशन में 0 to x एक्स dy dx, प्लस इंटीग्रेशन में a/√2 से a, इंटीग्रेशन में 0 to √a² - x² एक्स dy dx। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक एक को करके इंटीग्रेट करें तो आसानी से हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसको i1 मान ले रहे हैं और इसको i2। तो लेट हम इसको दो पार्ट में यहाँ से कर ले रहे हैं। लेट i1 इज इक्वल टू 0 to a/√2, इंटीग्रेशन में 0 to x एक्स dy dx, और यहाँ पे लेट i2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में a/√2 to a एंड इंटीग्रेशन में 0 to √a² - x² एक्स dy dx। ठीक, तो यहाँ देखिए, पहले हम i1 को सॉल्व कर ले करते हैं, फिर i2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे i1 को सॉल्व करने से पहले ये देखिए, लिमिट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x लिखा हुआ है, यानी कि किस किसका लिमिट है, ये y का लिमिट दिया हुआ, यानी कि y=0 to y=x, और ये आपका x का लिमिट है, यानी x=0 to a/√2। तो हम लोग पहले y वाले टर्म को इंटीग्रेट करते हैं। तो ये जो x है, एक्स डी एक्स एक साथ हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन और डी वाई एक साथ हो जाएगा। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में x=0 to a/√2, और ये एक्स वाला बाहर आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो ये मिल जाएगा हमें, मतलब ये कुछ ऐसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन में y=0 to x dy, ये एक साथ, और ये आ जाएगा डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें सीधे मिल जाएगा एक्स, तो ये हो जाएगा 0 to a/√2, ये हो गया एक्स, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा एक्स डी एक्स। इसको यहाँ पे ये हो जाएगा x² इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x³/3, और लिमिट क्या हो जाएगा, 0 to a/√2, लिमिट रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a³/3 × 2√2, यानी कि a³/6√2। ठीक, तो ये तो आ गया i1 का वैल्यू, a³/6√2। ऐसे हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे लिमिट की, ये किसकी वैल्यू दी है, देखिए यहाँ पे x है, तो ये क्या हो जाएगा, y का वैल्यू, y=0 से √a² - x², और ये तब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू, मतलब x की लिमिट है ये। तो यहाँ पर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें, तो सबसे पहले y का दिया हुआ है, तो हम लोग y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में x=a/√2 से a, और यहाँ पे x बाहर, अंदर में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन में y=0 to √a² - x² dy, और बाहर क्या आ जाएगा, dx। ठीक, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y, और लिमिट रखेंगे तो सीधे हमें ये वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि ओवरऑल क्या मिल जाएगा, x=a/√2 से a, और ये हो जाएगा x, और ये लिमिट जब रखेंगे तो ये हो जाएगा √a² - x² dx। ठीक, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या कर लेना है, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, a² - x² = t। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा माइनस में 2x dx = dt। यहाँ से x dx की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो ये हो जाएगा -1/2
डी टी ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट को भी ऐसे चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम एक्स की जगह पे ए बाय रूट टू रखें, यहाँ पे रखें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बाई टू, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू। और जब हम ए रखेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक, यहाँ पे रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने टी माना है, तो यहाँ पे रूट टी हो जाएगा। ठीक, यानी टी टू द पावर 1/2। और एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हाफ डी टी, माइनस हाफ। यहाँ देखिए लिमिट को चेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो वो माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट होकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन में 0 to ए स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा टी टू द पावर 1/2 डी टी। ठीक, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा टी टू द पावर 3/2 अपॉन में 3/2, लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से ए स्क्वायर बाई टू। ठीक, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 आ जाएगा बाहर, तो 1/3। और यहाँ पे देखिए टी के जगह बस ये वैल्यू पुट कर दे, ए स्क्वायर बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू टू द पावर 3/2। ठीक, यानी कि जो आई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे यहाँ पर देखिए आई टू की वैल्यू ये क्या हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्म इंटू में रूट कर सकते हैं, यानी कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 ए स्क्वायर बाई टू इंटू अंडर रूट में ए स्क्वायर बाई टू। ठीक, तो ये तो हो जाएगा सिंपल ए। ठीक, और ये ए स्क्वायर यानी कि ए क्यूब हो गया, तो यहाँ से आई टू का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई टू वैल्यू आ जाएगा ए क्यूब अपॉन में ये हो जाएगा 6√2। ठीक, ये हो गया आई टू का वैल्यू, लेकिन हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी यानी आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू इसको हम आई वन माने तो इसको आई टू, यानी कि आई वन प्लस आई टू। आई वन का वैल्यू क्या है, ये ए क्यूब बाई 6√2 प्लस आई टू का वैल्यू क्या है, ये ए क्यूब अपॉन में 6√2। ठीक, तो इन दोनों को ऐड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब अपॉन में 3√2। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।